हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज संपतराज नागर। और कैसी चल रही है पढ़ाई? सब कुछ अच्छा चल रहा है भाई? कोरोना में सभी की तबीयत ध्यान रखना, अपना अपने घर ही घर पे ही रहना, बाहर नहीं निकलना है, ठीक है? तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्पीय जो पादप होते हैं, उनमें किस प्रकार का लैंगिक जनन होता है? लैंगिक जनन के लिए क्या क्या कंडीशन होना जरूरी है? भाई आपने चैप्टर 1 में देखा है कि लैंगिक जनन के लिए अपन बात कर रहे हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के लिए क्या क्या कंडीशन होना जरूरी है? लैंगिक जनन के लिए कंडीशन होना जरूरी है कि लैंगिक जनन में एक तो दो जनक की आवश्यकता होना जरूरी है। दो जनक पार्टिसिपेट करेंगे। लैंगिक जनन वही कर सकता है जिसमें दो जनक भाग लेते हो। और लैंगिक जनन जहां पर भी होता है ना, उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस से संबंधित घटना होंगे। लैंगिक जनन से संबंधित उसमें घटना होगी एम्ब्रियोजेनेसिस। मतलब यहाँ पर स्टडी ध्यान में रखना, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित, इसको आप इस नाम से भी जाना जा सकता है, इसको प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन वाले चैप्टर को आप प्लांट एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जा सकता है, जिसे आप कह सकते हो पादप भ्रूणी के प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। मतलब जिसमें एम्ब्रियो का निर्माण होता है, पादप भ्रूण का निर्माण होता है। तो आप क्या कह रहे हो, चैप्टर नंबर 2 है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और इस पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन वाले चैप्टर को आप पादप भ्रूणी की भी कहा जा सकता है। और ये चैप्टर एनसीईआरटी में आपके 4 नंबर का रहेगा। और ध्यान में रखना, अपन बात कर रहे थे कि जो लैंगिक जनन है, उस लैंगिक जनन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। दो जनक होना जरूरी है। दो जनक के बिना लैंगिक जनन संभव नहीं होगा। क्या पुष्पीय पादपों में भी दो जनक होते हैं? दो जनक होते तो आप उसको कमेंट में लिख करके भेज सकते हो कि लैंगिक जनन करने के लिए जो पुष्पीय पादप है उसमें कौन कौन से दो जनक पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब जिसमें एम्ब्रियो का निर्माण करता हो। एम्ब्रियोजेनेसिस से मतलब है जिसमें एम्ब्रियो का निर्माण होता हो, भ्रूण का निर्माण होता हो, वो वाली कंडीशन क्या कहलाएगी? एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएगा। दूसरी कंडीशन है कि ध्यान में रखना, इसमें समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों विभाजन होते हैं। ध्यान में रखना, जो लैंगिक जनन करेंगे उसमें दोनों प्रकार का विभाजन होगा। मतलब उसमें माइटोसिस भी होगा और मियोसिस भी होगा। ध्यान में रखना, जो लैंगिक जनन करने वाले प्राणी हैं उनमें माइटोसिस भी होगा, मियोसिस भी होगा। दूसरी कंडीशन है कि इनमें युग्मक का निर्माण होगा। जो लैंगिक जनन कर
करने वाले प्राणी होते हैं उनमें युग्मक का निर्माण होता है, लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। अब युग्मक का निर्माण होता है तो कौन कौन से युग्मक बनते हैं ध्यान में रखना, दो प्रकार के युग्मक का निर्माण होगा। जो लैंगिक जनन करने वाले जंतु है उनमें जो युग्मक का निर्माण होगा वो उसमें दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण होगा। एक प्रकार का युग्मक क्या कहलाएगा, नर युग्मक कहलाएगा। एक प्रकार का युग्मक नर युग्मक कहलाएगा जिसे आप मेल गैमेट कह सकते हो। क्या कह सकते हो, मेल गैमेट कह सकते हो। दूसरा मादा युग्मक कहलाएगा। दूसरा क्या कहलाएगा, मादा युग्मक कहलाएगा जिसे आप फीमेल गैमेट कह सकते हो। दूसरा क्या कहलाएगा, फीमेल गैमेट, जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। ध्यान में रखना, जिस भी जनन में युग्मक का निर्माण होता है तो वहां पर निषेचन होना जरूरी है। ध्यान में रखना, उसमें निषेचन होगा, उसमें निषेचन होगा। जिसमें निषेचन होता है वहां पर युग्मन जरूर बनता है। बिना जहां पर भी निषेचन होगा ना उसमें युग्मनज जरूर बनेगा। और ध्यान में रखना, जैसे युग्मनज बनता है तो युग्मनज का डेवलपमेंट होता है, युग्मनज का विकास होता है, तो उसके फलस्वरूप उस युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। उस युग्मनज से किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। उसके बाद आगे इससे नए जीव का विकास होगा। इससे क्या होगा, नए जीव का विकास होगा, नए पादप का विकास होगा। दूसरी कंडीशन है, जो भी लैंगिक जनन करने वाले प्राणी हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर होता है। ध्यान में रखना, लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है भैया, क्रॉसिंग ओवर का मतलब है हिंदी में जीन विनी में कहा जाता है। क्रॉसिंग ओवर को क्या कहा जाता है, जीन विनी में। और जीन विनी में से बोले कि यहाँ पर क्या होगा, जीन का एक्सचेंज होगा। क्या होगा भैया, जीन का एक्सचेंज होगा। ध्यान में रखना, जीन विनी में कहाँ होगा, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगा, जहाँ ध्यान में रखना अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन भी दो प्रकार का होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट जो होता है उसमें एक स्टेज आती है प्रोपेज फर्स्ट। प्रोपेज फर्स्ट में भी ध्यान में रखना पांच सब फेज आती है, पांच सब फेज आती है। उन पांच सब फेज में ध्यान में रखना एक अवस्था आती है पेकायटिन। उस पेकायटिन अवस्था में ध्यान में रखना मेटाफेज, ध्यान में रखना जो मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोपेज फर्स्ट है उस प्रोपेज फर्स्ट की पेकायटिन पेकायटिन जो फेज होती है उसमें क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ध्यान में रखना, जो भी लैंगिक जनन करने वाले होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर होता है। ध्यान में रखना, क्रॉसिंग ओवर होता है इस वजह से इनमें क्या होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। क्या होती है, उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, उनमें वेरिएशन होता है। क्या होता है, वेरिएशन होता है। वेरिएशन से मतलब है जब किसी भी जनक से उत्पन्न होने वाली संतान, जब किसी भी जनक से उत्पन्न होने वाली संतान क्या हो, जो वो जनक से भिन्न हो। जनक से उत्पन्न होने वाली संतान है, जनक से जो पेरेंट से डेवलप होने वाले जो भी ऑफस्प्रिंग है वो क्या होगी, जनक से भिन्न होगी। तो जनक से भिन्न होने के कारण क्या होगा, उनमें विभिन्नताएं पाई जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हो जिनमें भी लैंगिक जनन होता है, जिनमें भी लैंगिक जनन होता है उनमें ये सब घटनाएं देखने को मिलेगी। ध्यान में रखना, लैंगिक जनन करने वाले जो भी जंतु होता है उनमें गुणन थोड़ा धीरे होता है, उनमें मल्टीप्लीकेशन धीरे होता है। तो आप जानते हो कि पुष्प किस प्रकार से बना, पहले जो पादप होता है तो पादप का विकास किस प्रकार से होता है उसके बारे में मुझे बता सकते हो कि किस प्रकार से पुष्पीय पादपों का विकास हुआ होगा, कि डायरेक्टली पुष्पीय पादप बन गए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी नेचर में पहले डायरेक्टली हाई लेवल का बना होगा। पहले ध्यान में रखना, कोई भी बनता है ना,
ध्यान में रखना, पहले भी पादपों का विकास होता है तो पहले लोअर प्लांट का विकास होता है, लोअर प्लांट से बाद में हायर प्लांट का विकास होता है। पहले लोअर प्लांट का विकास होता है, बाद में हायर प्लांट का विकास होता है, जिसे आप बोल सकते हो यहाँ पर प्रिमिटिव कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पर प्रिमिटिव कंडीशन आ जाएगी और यह एडवांस कंडीशन आ जाएगी। ध्यान में रखना, जो पहले विकास होगा, जो पहले विकास होगा वो प्रिमिटिव कहलाएगा और जिसका बाद में विकास होगा वो एडवांस कहलाएगा। मतलब जो पहले हो रहा बन रहा है वो लोअर कैटेगरी में आता है और जो बाद में बन रहा है वो हायर कैटेगरी में आ रहा है। तो ध्यान में रखना, पहले जो पादपों में बने, सबसे पहले एल्गी बना और एल्गी क्या होता, एक्वेटिक। आप ऐसे मानते हो कि जैसे जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ, जीवों का विकास कहाँ से डेवलप होना प्रारंभ हुआ, ऐसा मानते हैं कि जल में सबसे पहले जीवों का विकास प्रारंभ हुआ, जीवों से धीरे धीरे जीवों का विकास होते फिर वो धरातल पर आना स्टार्ट हुआ, इस प्रकार से आगे जनरेट आगे धीरे धीरे विकास होता गया। आप कह सकते हो सबसे पहले एल्गी का विकास हुआ, मतलब सेवाल का विकास हुआ, फिर सेवाल से धीरे धीरे ब्रायोफाइट का डेवलपमेंट हुआ, ब्रायोफाइटा मेंबर्स के डेवलपमेंट्स का, ब्रायोफाइटा का मेंबर जो ब्रायोफाइट्स के सदस्य हैं उनका डेवलपमेंट हुआ, ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट्स का विकास हुआ, किसका विकास हुआ, टेरिडोफाइटा का विकास हुआ, टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म का विकास हुआ, जिम्नोस्पर्म का विकास हुआ और जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म का विकास हुआ, किसका विकास हुआ, एंजियोस्पर्म का विकास हुआ। आप कह सकते हो जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स में आपने एग्जांपल नाम सुना है, रिक्सिया, मार्केंसिया, मॉस, मतलब ब्रायोफाइट्स के मेंबर को मॉस भी कहा जाता है। ध्यान में रखना, टेरिडोफाइट्स के जो मेंबर्स होते हैं उनको फर्न कहा जाता है, टेरिडोफाइट्स के मेंबर को क्या कहा जाता है, फर्न कहा जाता है। जैसे आप कह सकते हो टेरिडियम, ऐसे प्लांट बहुत सारे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे टेरिडोफाइट्स में। आपने चैप्टर ध्यान में रखना क्लास 11th में इनके बारे में स्टडी किया होगा, जैसे एल्गी के बारे में आपने अध्ययन करा होगा, एल्गी से किस प्रकार से ब्रायोफाइट का विकास हुआ, किस प्रकार से टेरिडोफाइटा का विकास हुआ, फिर टेरिडोफाइट से किस प्रकार से जिम्नोस्पर्म का विकास हुआ। जिम्नोस्पर्म को आप कहा जाता है अनावर्त बीजी, जिम्नोस्पर्म को कहा जाता अनावर्त बीजी, जिनके बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनको आवर्त बीजी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आवर्त बीजी कहा जाता है। ध्यान में रखना, जो आवर्त बीजी होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कि ऐसे ऐसे पादप जिनके बीज के बाहर की ओर आवरण पाया जाता, आवर्त का मतलब है आवर्त प्लस बीजी, आवर्त बीजी से मतलब है कि ऐसा बीज जिसके बाहर की ओर कोई आवरण पाया जाता हो, ऐसा बीज जिसके बाहर की ओर कोई आवरण पाया जाता है उनको आवर्त बीजी कहा जाता है। और अनावर्त बीजी का मतलब है बीज तो बनता है लेकिन उनके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे पहले एल्गी का विकास हुआ, एल्गी से ब्रायोफाइट्स का विकास हुआ, ब्रायोफाइट्स से टेरिडोफाइट्स का विकास हुआ और टेरिडोफाइट्स से जिम्नोस्पर्म का विकास हुआ, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म का विकास हुआ। जो आवर्त बीजी होते हैं उन आवर्त बीजी को क्या बोल सकते हो, पुष्पीय पादप कहा जाता है। आवर्त बीजी पादपों को क्या बोला जाता है, पुष्पीय पादप कहा जाता है। ये पुष्पीय पादप सबसे एडवांस कैटेगरी के होते हैं, सबसे प्रगत प्रकार के सदस्य होते हैं। ध्यान में रखना, जो पुष्पीय पादप होते हैं इनमें आप दो कैटेगरी होती हैं, इनमें दो कैटेगरी होती है बीज पत्रों के आधार पर इनमें किस प्रकार से बीज बन रहे हैं, एक बीज पत्र वाले बन रहे हैं कि दो बीज पत्र वाले बन रहे हैं। उनमें सबसे पहले द्विबीजपत्री बने, ध्यान में रखना आवर्त बीजी में भी पहले द्विबीजपत्री बने उसके बाद में एक बीज पत्री बने,
पहले द्विबीजपत्री बने, बाद में एक बीजपत्री बने। द्विबीजपत्री को अपन बोला जाता है डायकोट कहा जाता है, और एक बीजपत्री को बोला जाता है मोनोकोट कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, जो पुष्पीय पादप होते हैं पुष्पीय पादपों में भी पहले डायकोट वाले प्लांट आएंगे, फिर मोनोकोट वाले प्लांट आएंगे, लेकिन दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही पुष्पीय पादप कहलाते हैं। डायकोट का मतलब समझे ना, जिसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं द्विबीज पत्री कहलाएंगे, जिनमें एक बीज पत्र पाया जाएगा उनको एक बीज पत्री पादप कहते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हो कि जो पुष्पीय पादप होते हैं मतलब आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं। ध्यान में रखना, आपने इलेवंथ क्लास में भी देखा है, इलेवंथ क्लास में भी आपने देखा है कि आवर्तबीजी पादपों में जनन से थोड़ा सा उसमें फ्लो चार्ट बना रखा है, वहां पर दे रखा है। तो आवर्तबीजी पादपों में जनन की बात करो या पुष्पीय पादपों में लैंगिक, आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन की बात करो या पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की बात करो, बात बराबर है। तो आप जाके पुष्प बना, तो पुष्प होता कैसा है, पुष्प की संरचना कैसी होती है, तो आप उसके बारे में हम देखते आएंगे। ये भी अपन जो देख रहे हैं ना, केवल अभी बेक वाली चीजें देख रहे हैं, जो आपने इलेवंथ क्लास में जो देखा है, क्योंकि आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते भैया पुष्पीय पादपों में डायरेक्ट लैंगिक जनन के बारे में अपन अध्ययन नहीं कर सकते, थोड़ा उनके बारे में पहले बताना है कि भाई लैंगिक जनन होता कैसे, पुष्प कैसे बनता है। तो आगे बात करते हैं, आपने एक साइंटिस्ट नाम सुना होगा गोते, एक साइंटिस्ट है गोते। अब गोते कह रहा है कि ध्यान में रखना, गोते कह रहा है, गोते के अनुसार या डायरेक्ट बोल सकते हो कि इसके अनुसार पुष्प एक रूपांतरित प्ररोहो है। क्या है? रूपांतरित प्ररोहो है। रूपांतरित प्ररोहो से मतलब क्या है भैया, जिसे आप कह सकते हो मॉडिफाइड सूट। सूट के बारे में जानते हो? सूट के बारे में कुछ हिंट दे सकते हो? सूट क्या होता है? आप थोड़ा सा सूट के बारे में थोड़ा हिंट लेकर के मुझे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि सूट होता क्या है, सूट कहाँ बनता है, सूट पर क्या क्या कंडीशंस फॉलो हो सकती है। ध्यान में रखना, सूट की बात करें तो आपने जैसे बीज बना होगा, आप बीज के बारे में जानते हो, सीड के बारे में जानते हो, जैसे बीज बनता है इसको सोइल में डालते हो, तो सोइल में डालने के बाद ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से क्या बनता है, दो कंडीशन बनती है। एक कंडीशन बनती है रेडिकल बनता है, दूसरा प्लूम्यूल बनता है। पहली कंडीशन है रेडिकल बनता है, दूसरा कंडीशन प्लूम्यूल बनता है। ध्यान में रखना, रेडिकल को क्या बोला जाता है, मूलांकुर बोला जाता है, प्लूम्यूल को प्रांकुर कहा जाता है। रेडिकल को मूलांकुर कहा जाता है, प्लूम्यूल को प्रांकुर कहा जाता है। ध्यान में रखना, रेडिकल का विकास होता है, रेडिकल का डेवलपमेंट होता है, तो बाद में किसका निर्माण करता है, रेडिकल बाद में रूट का निर्माण करता है। ध्यान में रखना, रेडिकल के द्वारा रूट का निर्माण होता है। अब प्लूम्यूल का जैसे डेवलपमेंट होता है, तो प्लूम्यूल के द्वारा सूट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? सूट का निर्माण होता है, प्ररोहों का विकास होता है। अब जो सूट होता है, तो सूट पर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकती है, जो सूट होता है तो सूट पर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकती है, बता सकते हो? ध्यान में रखना, जो सूट होता है, सूट जो होता है, सूट पर ध्यान में रखना, स्टेम भी, सूट में किस किस को शामिल किया जाएगा, सूट में स्टेम को शामिल किया जाएगा। सूट पर जो स्टेम होता है उस पर ही शाखाएं पाई जाएगी, तो इस सूट में आप इनको भी शामिल कर सकते हो।
जो ब्रांचेज है साथ साथ में इस पर लीफ भी प्रेजेंट होगी। जो सूट होता है उस सूट में लीफ को भी सम्मिलित किया जाएगा, पत्तियों को सम्मिलित किया जाएगा और पत्तियों के साथ साथ इसमें पर्व व पर्व संधियों को शामिल किया जाएगा, पर्व व पर्व संधियों को शामिल किया जाएगा। पर्व क्या होती है? पर्व को इंग्लिश में बोला जाता है इंटर नोड और पर्व संधियों को बोला जाएगा नोड। और ध्यान में रखना जो सूट होता है उसी पर क्या प्रेजेंट होते हैं? पुष्प प्रेजेंट होते हैं, उसी पर फ्लावर बनता है। जो सूट होता है ना उस सूट पर ही क्या बनता है? फल भी बनता है और सूट पर ही क्या बनता है? बीज भी बनता है। ऐसी संरचनाओं के बारे में आप देख सकते हो। अपन ने जैसे ही बीज सोयल में डाला तो सोयल के द्वारा जिस सोयल में जैसे ही डाला तो डालने के बाद उसमें रेडिकल का निर्माण हुआ, प्लीमोल का निर्माण हुआ। आगे देखना है जैसे ही प्लीमोल से किसका निर्माण होगा? प्ररोह का विकास होगा और रेडिकल से मूल का विकास होगा। तो जो प्ररोह है उसमें किस किस को इंक्लूड किया जाता है? प्ररोह में स्टेम को इंक्लूड किया जाएगा, ब्रांचेज को इंक्लूड किया जाएगा, लीफ को इंक्लूड किया जाएगा, नोड और इंटर नोड को इंक्लूड किया जाएगा, उसमें फ्लावर को इंक्लूड किया जाएगा, फ्लावर के साथ फ्रूट को इंक्लूड किया जाएगा, सीड को इंक्लूड किया जाएगा। मतलब तना होगा, पत्ती होगा, पुष्प होगा, फल होगा, शाखाएं होगी, पर्व पर्व संध्या पाई जाएगी। तो इस प्रकार से जो प्ररोह होता है उसमें ऐसी संरचनाएं पाई जाती है। तो आप कह रहे हो कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। क्या पुष्प पर भी पत्ती समान संरचनाएं पाई जाती है? क्या क्या पत्ती जब पुष्प होता है उस पुष्प पर पर्व व पर्व संधियां पाई जाती है? क्या पाई जाती है? तो ध्यान में रखना जो पुष्प होता है उस पर पत्ती के समान संरचनाएं भी पाई जाती है, जो पुष्प होता है उस पर पर्व व पर्व संधियां भी पाई जाती है। ध्यान में रखना पुष्प क्या होता है? एक रूपांतरित प्ररोह है। जो प्ररोह होता है उस पर पत्ती के समान संरचना भी पाई जाती है। पत्ती के समान संरचनाएं कौन सी पाई जाती है? जो पुष्प होता है उस पर पंखुड़ी पत्ती के जो समान संरचनाएं पाई जाएगी वो बाह्य दल पाए जाएंगे। बाह्य दल मतलब सेपल पाए जाएंगे, दल का मतलब है पेटल पाए जाएंगे। तो ध्यान में रखना प्ररोह पर पत्ती के समान संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें बाह्य दल और दल बोला जा सकता है और सेपल और पेटल बोला जा सकता है। और ध्यान में रखना जो जिस प्रकार से पत्ती किसी पर्व संधि से जुड़ी रहती है, जिस प्रकार से पत्ती किसी पर्व संधि से जुड़ी रहती है उसी प्रकार से दल व बाह्य दल भी एक विशिष्ट संरचना एक जगह जुड़े रहते हैं। उस जगह उस पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो? वहां आप मान सकते हो पर्व संधि मान सकते हो। और जिसके बीच का जो गैप होता है उसको पर्व कहा जा सकता है। जो पर्व संधि होगी उसको नोड कहा जाता है, पर्व जो होता है उसको इंटर नोड कहा जाता है। जिस प्रकार से जो कोई भी पुष्प है वो उस पुष्प पे क्या पाया जाएगा? पुंकेसर, स्त्री केसर, ऐसे बहुत सारी संरचनाएं पाई जाएगी। ये पुष्प वाला भाग बताया। इस पुष्प पर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? स्त्री केसर, पुंकेसर, ऐसी सब संरचनाएं पाई जाती है। ऐसी संरचनाएं सब पाई जाती है, ऐसी संरचनाएं पाई जाती है। तो आप कह सकते हो कि इसमें यहाँ का सेपल पाया जाएगा, पेटल पाया जाएगा, स्टेम यहाँ पर पुंकेसर पाया जाएगा, स्त्री केसर पाया जाएगा। तो ध्यान में रखना जहाँ से संरचना जहाँ से सेपल जुड़ा हुआ रहेगा उस संरचना को आप बोल सकते हो पर्व संधि। जहाँ से जुड़ा रहेगा पर्व संधि, और दूसरा भी जहाँ से पेटल जुड़ा रहेगा
उसको भी पर्व संधि बोला जाता है। और इस दो पर्व संधियों के गैप को क्या कहा जाता है, हमेशा पर्व कहा जाता है। ध्यान में रखना, आपने गन्ना का सेक्शन का गन्ना देखा होगा, तो गन्ना में जॉइंट पाए जाते हैं। जो गन्ना होता है उसमें जॉइंट पाया जाता है, ऐसे जो गन्ना होता है उसमें जॉइंट पाया जाता है, जॉइंट वाले स्थान को कहा जाता है पर्व संधि, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है नोड। दो पर्व संधियों के बीच का गैप, दो पर्व संधियों के बीच का गैप क्या कहलाता है, पर्व कहलाता है, जिसे आप क्या कह सकते हो, इंटरनोड कहा जाता है। दो पर्व संधियों के गैप को क्या कहा जाता है, इंटरनोड कहा जाता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि जो पुष्प होता है एक रूपांतरित प्ररोह है, एक सूट है, पुष्प फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, लीफ भी प्रेजेंट होती है, उसमें लीफ भी प्रेजेंट होते हैं। लीफ के समान क्या संरचनाएं प्रेजेंट होती है, बाह्य दल पाया जाता है, दल पाया जाता है। उसके बाद उसमें पर्व संधि संरचनाएं भी पाई जाती है। यहां तक हुआ क्लियर? अब पुष्प का डायग्राम बनाते हैं, पुष्प की संरचना कैसी होती है आगे देखते हैं। पुष्प देख लेना, इस प्रकार से आप पुष्प का डायग्राम बना सकते हो। पुष्प जिस संरचना से जुड़ा रहेगा, पुष्प नीचे जिस शाखा से या जिस ब्रांच से जुड़ा रहेगा, उसको आप पर्व संधि बोल सकते हो। पुष्प जिस भी शाखा के भाग से जहां से भी जुड़ा रहेगा उसको पर्व संधि भी बोल सकते हो, उसको मुख्य अक्ष भी बोल सकते हो, मतलब उसको मेन एक्सिस भी कहा जा सकता है, उसको नोड भी कहा जा सकता है। इस पर्व संधि पर एक विशिष्ट प्रकार की पर्ण समान संरचनाएं पाई जा सकती है। इस पर्व संधि पर पर्ण समान संरचनाएं पाई जा सकती है, जिसे सहपत्र कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सहपत्र बोला जाता है, जिसको ब्रेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेक्ट कहा जाता है। सहपत्र के ऊपरी थोड़ी दो इस पत्ती लाइन स्ट्रक्चर से प्रेजेंट होती है, पत्ती समान संरचना प्रेजेंट होती है, उसको सहपत्रिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहपत्रिका कहा जाता है, जिसको ब्रेक्टिएट कर जिसे ब्रेक्टियोलेट कंडीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेक्टियोलेट कंडीशन कहा जाता है। और ध्यान में रखना, जो सहपत्र और सहपत्री के जो एक विशिष्ट प्रकार की संरचना से जुड़ी रहती है, उसको व्रंत समान संरचना से जुड़ी रहती है, उसको पुष्प व्रंत कहा जाता है, पेडिसिल कहा जाता है। जो इसको क्या करता है, पुष्प को हिलने डुलने में सहायक करता है, फ्लेक्सिबल होता है, हिलने डुलने में सहायता प्रदान करता है, वो एक डंटन। ध्यान में रखना, पुष्प एक डंटन नुमा संरचना से जुड़ा रहता है, जिसे पुष्पासन का जिसे पुष्प व्रंत कहा जाता है, पेडिसिल कहा जाता है। और इस पुष्प व्रंत के ऊपर एक उभार नुमा संरचना पाई जाती है, एक डोम शेप स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस डोम शेप स्ट्रक्चर को पुष्पासन कहा जाता है। इस डोम शेप स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? पुष्पासन कहा जाता है। पुष्पासन को थैलेमस कहा जाता है, ध्यान में रखना। और ये थैलेमस ही
और ये थैलेमसी, ये पुष्पासन, पुष्पासन का मतलब होता है कि पुष्प प्लस आसन, मतलब पुष्प का ऐसा भाग जो आसन के समान काम करता है, जो पुष्प के विभिन्न भागों को धारण करने का काम करता है, जिसमें पुष्प के विभिन्न अंग पाए जाते हैं। पुष्प आसन मतलब पुष्प का वो आसन, ऐसा आसन जहाँ पर पुष्प के विभिन्न अंग या पुष्प के विभिन्न भाग पाए जाते हैं, वो पुष्पासन कहलाता है। और इस पुष्पासन पर क्या क्या प्रेजेंट होता है, यदि सिंगल फॉर्म में पाया जाता है, यहाँ पर ये बाह्य दल होता है ना, सिंगल है इसलिए इसको बाह्य दल बोल रहा हूँ, सेपल कहा रहा हूँ। ध्यान में रखना, आपने बैंगन में ऐसे बहुत सारे ऐसे बैंगन का जो पुष्प होता है उसमें हरी, जो टमाटर का टमाटर होता है तो टमाटर पर हरी हरी रंग की जो ऊपर संरचनाएं पाई जाती है ना, जहाँ उसका डंटल होता है जिससे जुड़ा रहता है, उससे फ्लावर उससे जुड़ा रहता है, फ्रूट से जो जुड़ा रहता है, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, बाह्य दल कहलाती। ये बाह्य दल परमानेंट भी हो सकती है और अनपरमानेंट भी हो सकती है। तो बैंगन में परमानेंट बाह्य दल पाए जाते हैं जो उस फ्रूट से चिपके रहते हैं। बाह्य दल सिंगल होगा तो उसको सेपल कहा जाता है, और बाह्य दल का समूह रहेगा, बाह्य दल का ग्रुप बनेगा, उस बाह्य दल के ग्रुप को, सेपल के ग्रुप को क्या कहा जाएगा, बाह्य दल पुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाह्य दल पुंज कहलाएगा, कैलिक्स कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद बाह्य दल के ऊपर की ओर, बाह्य दल के अपर साइड पर एक कलरफुल स्ट्रक्चर पाई जाती है, कलरफुल ग्रुप पाया जाता है, एक विशिष्ट प्रकार की कलरफुल पंखुड़ियों का समूह पाया जाएगा, या सिंगल जो रहेगा उसको बोला जाता है दल। सिंगल जो स्ट्रक्चर पाया जाएगी, कलरफुल जो सिंगल स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, रंगीन जो कलरफुल स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको दल कहा जाता है। और दल का जो ग्रुप कहलाएगा, दल का जो ग्रुप कहलाएगा वो दलपुंज कहलाएगा। दल का जो ग्रुप कहलाएगा वो दलपुंज कहलाएगा। दलपुंज को कोरोला कहा जाता है। ध्यान में रखना, जो पंखुड़ियां होती है, ध्यान में रखना, जो पुष्प होता है उसमें जो कलरफुल स्ट्रक्चर्स पाए जाती है, जो गुलाब होता है, गुलाब में जो रेड कलर की जो पंखुड़ियां पाई जाती है, उनका जो पूरा ग्रुप है वो ग्रुप क्या कहलाएगा, दलपुंज कहलाएगा। अरे दलपुंज क्या करता है, दलपुंज हमेशा कीटों को अट्रैक्ट करने का काम करता है। दलपुंज क्या करता है, कीटों को अट्रैक्ट करने का काम करता है, जिससे कीट अट्रैक्ट होंगे। और क्यों अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इन पुष्पों में मकरंद पाया जाता है, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, मकरंद पाया जाता है। मकरंद क्या होता है, कीटों का पोषक पदार्थ होता है, पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो दल होते हैं एक तरह से कलरफुल स्ट्रक्चर्स होती है, जो कीटों को आकर्षित करने में सहायक होती है और साथ साथ में परागण में सहायक होती है। तो आप बोलोगे कि दल एक प्रकार की कलरफुल स्ट्रक्चर होती है, कलरफुल जो स्ट्रक्चर है वो दल कहलाएगी। उसके बाद अपन देखते हैं पराग कोष, पराग कोष को बोला जाता है एंथर। और पराग, दो पराग कोष के बीच में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको योजी कहा जाता है, उसको कनेक्टिव कहा जाता है। और एक व्रंत समान संरचना पाई जाती है जो पुष्पासन से जोड़ने का काम करती है, उसको पूतंतु कहा जाता है, पूतंतु को फिलामेंट कहा जाता है। ध्यान में रखना, यहाँ पर पराग कोष योजी तीनों भाग मिलकर के पुंकेसर कहलाता है। क्या हुआ, पराग कोष योजी पूतंतु तीनों का समूह मिलकर के किसका निर्माण करेगा, पुंकेसर का निर्माण करेगा, स्टेमन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, स्टेमन का निर्माण करेगा। और ध्यान में रखना, स्टेमन का जो समूह होता है पूरा वो क्या कहलाता है भैया, पुमंग कहलाता है। क्या कहलाता है, पुमंग कहलाता है, जिसे बोला जाता है एंड्रोशियम। क्या बोला जाता है, एंड्रोशियम कहलाता है, पुमंग कहलाता है, जो एक प्रकार का क्या है, नर जननांग है। पुमंग क्या है, एक नर जननांग पार्ट है।
उमंग क्या है? नर जननांग पाटे, जो पुष्प है पुष्प में जो नर जननांग का काम कौन करता है? पुमंग होता है। पुमंग में क्या होता है? पुमंग की इकाई क्या होती है? पुंकेसर। तो पुंकेसर एक प्रकार का मेल पार्ट है जहां पर नर युग्मकों का निर्माण होगा। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं ये स्त्री केसर वाला पार्ट है। स्त्री केसर का जो स्वतंत्र सिरा है, स्त्री केसर का जो स्वतंत्र सिरा है, उस स्वतंत्र सिरे को आप क्या कहते हो? वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र कहा जाता है, स्टिग्मा कहा जाता है। और इस वर्तिकाग्र के नीचे की ओर एक लंबी नलिका के समान संरचना पाई जाती है, उसको वर्तिका कहा जाता है, स्टाइल कहा जाता है। और वर्तिका के नीचे फूली हुई संरचना पाई जाती है जिसे अंडाशय कहा जाता है, जिसे ओवेरी कहा जाता है, ध्यान में रखना। और इस ओवेरी के अंदर की ओर एक विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें आप बीजांड कहोगे। क्या कहोगे भैया? यहां पर बीजांड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अंडाशय के अंदर विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है जिसे बीजांड कहा जाता है, ओव्यूल कहा जाता है, जो बाद में किसका निर्माण करते हैं? बीज का निर्माण करते हैं। बीजांड किसका निर्माण करते हैं? बीज का निर्माण करते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिका, वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, मतलब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तीनों मिलकर के स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। स्त्री केसर को क्या कहा जाता है? पिस्टिल कहा जाता है। स्त्री केसर को क्या कहा जाता है? पिस्टिल कहा जाता है, या इसको अंडक भी कहा जाता है, या कार्पल भी कहा जाता है। इस प्रकार से पुष्प का अपन ने स्ट्रक्चर देखा।